हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम शोमूज बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम हिंदी में बात करने वाले हैं और इस हिंदी वीडियो में हम बताएंगे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के बारे में। तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं क्रोमैटोग्राफी सीरीज और आज के वीडियो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के ऊपर। तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होता क्या है? मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी मतलब एनी काइंड ऑफ क्रोमैटोग्राफी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कुछ मटेरियल को। मतलब आप प्रोटीन ले लो, एक प्रोटीन का मिक्सचर, उसमें से कुछ प्रोटीन्स को हम सेपरेट करेंगे, कुछ एंजाइम्स को सेपरेट करते हैं बाकी के प्रोटीन से। या फिर आप वाटर ले लो, पीने का जो वाटर होता है, पानी होता है, उस पानी में बहुत ऐसे पानी होता है जिसको हम कहते हैं कि हार्ड वाटर। ओके, हार्ड वाटर में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स ज़्यादा होता है, टॉक्सिक होता है जो हमारे हेल्थ के लिए। तो हम क्या करते हैं, वो मिनरल्स को हटाते हैं ताकि पानी को हम मीठा बना सके, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना, ये सब कुछ। और फिर भी और एक टाइप, जैसे कि हमारे ब्लड, ब्लड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ब्लड को एक्चुअली एनरिच करता है, उसके साथ साथ ऑस्मोलैरिटी जो है ब्लड का वो मेंटेन करने में हमारा हेल्प करते हैं। सिमिलरली एक्सक्रीशन में, यूरिन में सेम तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर जाता है या फिर रिटेन होता है। मगर कुछ सिचुएशन में बॉडी के कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइट को हमें रिटेन करना पड़ता है, ब्लड से उसको सेपरेट करना पड़ता है, सिमिलरली यूरिन से भी सेपरेट करना पड़ता है। और उस टाइम पे हम जो क्रोमैटोग्राफी की मदद लेते हैं उसे कहला जाता है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसको कहा जाता है कि प्रेफरेंशियल आयन को एक्सचेंज करना। मतलब हर एक क्रोमैटोग्राफी की तरह इस क्रोमैटोग्राफी में भी हमें एक जो है कॉलम होंगे, और उस कॉलम में दो फेज होंगे, एक स्टेशनरी और एक मोबाइल। तो हर एक क्रोमैटोग्राफी की तरह मैं यहां पर लिखूं तो एक स्टेशनरी और एस फेज, और एक है मोबाइल और एम फेज। तो यहां पर आप देखें एस फेज है सॉलिड फेज, स्टेशनरी फेज, जिसको बनाया जाता है बीड्स से, और जो एम फेज है मोबाइल फेज है वो यहां पर होगा लिक्विड। ओके, तो लिक्विड के मतलब यहां पर आइदर होता है वाटर या फिर होता है अल्कोहल का बेस से बना हुआ लिक्विड फेज। तो ये जो लिक्विड फेज है इसमें रहेगा हमारा सैंपल जिसको हमें एक्सचेंज करना है, जिसको हमें आइडेंटिफाई सेपरेट करना है मिक्सचर से। तो मिक्सचर रहेगा लिक्विड में और फेज में कुछ बीड्स रहेंगे। तो अभी बात करते हैं कैसे हम आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी को यूज करते हैं। बात यह रहता है, मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का जो कॉलम, ऐसा एक कॉलम, सिंपल कॉलम। क्रोमैटोग्राफी में हम हर वक्त ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर लेट्स से एक स्टॉप क्लॉक हम दे दें, ऐसा कॉलम। अभी इस कॉलम के अंदर जो बीड्स रहेंगे, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं बीड्स को कलर दूसरे कलर से। तो ये है बीड्स, ठीक है। ये जो बीड्स है ये स्टेशनरी है, तो सारे के सारे स्टेशनरी फेज का ये बीड्स है। अभी सारे के सारे जो बीड्स है उस बीड्स में से आइदर पॉजिटिव चार्ज, कोई आयन वाला कोई पॉजिटिव चार्ज आयन या फिर नेगेटिव चार्ज वाला आयन, कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है बीड्स के अंदर, बीड्स के साथ। तो ये वाइटल है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के लिए कि जो बीड्स होंगे, जो स्टेशनरी फेज का बीड्स, उसमें हमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन को एसोसिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडिया ये है कि हम जो मोबाइल फेज इसमें ऐड करेंगे, मोबाइल फेज में भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज का आयन रहेंगे। और हमारा यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब मोबाइल फेज इस बीड्स के अंदर होते हुए निकलता हुआ बाहर आएगा, तब हमारा मोबाइल फेज में से जो पॉजिटिव चार्ज है वो चिपक जाएगा बीड्स में, और बीड्स का जो चार्ज आयन है वो बीड्स से निकलकर बाहर आ जाएगा। ये होता है एंट्रैपमेंट। मतलब ये बीड्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको हम ट्रैप कर सके, और एक और सेम चार्ज का आयन ये बीड से निकलता हुआ नीचे से निकल जाएगा। यही होता है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। अभी इमेजिन कर लो कि मैग्नीशियम, ओके,
मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है. अभी मैग्नीशियम को मैं अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एक साथ रख दूं तो क्या हो जाएगा? इसके एक रिएक्शन, और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार होगा और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैग्नीशियम क्या है, 2+ होता है, मतलब मैग्नीशियम का जो आयनिक स्ट्रेंथ 2, तो मैग्नीशियम 2+ और प्रोटॉन है क्या, सिंगल प्लस. इसका मतलब होता है मैग्नीशियम ज्यादा एफिनिटी, ज्यादा ज्यादा कैटायनिक है प्रोटॉन से, उसका आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. तो जब मैग्नीशियम हम हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देते हैं HCl, जिसमें Cl जो है माइनस, तो तब क्लोराइड जो है वो मैग्नीशियम के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है यहां पर, और हाइड्रोजन को छोड़ देगा, ताकि बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन रिलीज. यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में. के मानो यहां पर ये जो मैग्नीशियम है वो बीट के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये है बीड, बीट के साथ मैग्नीशियम अटैच्ड है, और जो मोबाइल फेज है उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड. अब हाइड्रोजन क्लोराइड के, क्लोराइड को हमें सेपरेट करना था हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो ये क्लोराइड जो है मैग्नीशियम के साथ चिपक जाएगा और हाइड्रोजन को छोड़ देगा. अब हाइड्रोजन बाहर निकल आएगा, हमें हाइड्रोजन चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए था, क्लोराइड का एंट्रैपमेंट, वो भी बीड में, और वो हो चुका है. सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी इस कॉलम में. तो इस कॉलम के जो बीड्स हैं, उस बीड्स में हम इस एग्जाम्पल की तरह मानो के प्लस और पॉजिटिवली स्ट्रैंड और पॉजिटिवली चार्ज वाला कोई भी हम यहां पर आयन जो इसके साथ ट्रैप कर लेते हैं, वो हम ऑलरेडी बना लेते हैं ऐसे कि बीड्स में पॉजिटिवली चार्ज है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हम सोल्यूशन डालेंगे उनमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा, जैसे कि यहां पर किया. हाँ, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी. आयन एक्सचेंज में भी दोनों टाइप का क्रोमैटोग्राफी होता है, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी. कैटायन एक्सचेंज क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल फेस का कैटायन रिप्लेस करता है बीट के कैटायन को. हाँ, तो इसी तरह एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होता है जब मोबाइल फेस का कोई एनायन बीट में लगे हुए एनायन को रिप्लेस करता है, और इस हिसाब से ये क्रोमैटोग्राफी रन होता है. तो चलिए अब कैसे ये क्रोमैटोग्राफी रन होता है वो बता दो. उससे पहले भी बता दो कि बीड्स किस चीज से बना हुआ होता है. अब ये जो बीड्स है ये दोनों तरीके का मटेरियल से बना हो सकता है. एक तो होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हो सकता है, ठीक है, और होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से. तो बीड, यहां पर मैं लिखूं, बीड जो है वो इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक भी हो सकता है. इनऑर्गेनिक जो बीड्स होता है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है क्ले, सॉयल पार्टिकल, सॉयल मटेरियल, ये सब होता है इनर्ट, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक में होता है दोनों तरीके का हो सकता है, कैटायन और एनायन एक्सचेंज में दो अलग होता है. तो अगर देखें कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी और यहां पर एनायन एक्सचेंज, तो कैटायन एक्सचेंज में वो सब होता है जहां पर पॉली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी कंपाउंड या फिर फेनोलिक कंपाउंड रहता है. पॉलीकंडेंस फेनोलिक या फिर पॉलीकंडेंस कार्बोक्सी कंपाउंड को हम यूज करते हैं कैटायन एक्सचेंज ऑर्गेनिक बीड में. अब इसका बहुत सारा नाम होता है, केमिकल नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, जो आप इजीली गूगल में सर्च कर सकते हो. मगर ये जो एनायन एक्सचेंज बीड्स होते हैं ऑर्गेनिक, उनमें हम क्या यूज करते हैं, उनमें हम सिर्फ पॉलीकंडेंस्ड एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को यूज करते हैं. तो ये पहले, ये जो भी यूज हम करते थे ये पॉलीकंडेंस्ड फॉर्म पहले करते थे, अभी ये सब कुछ रिप्लेस होकर एकदम मॉडर्न टाइम में जो आ चुका है वो है रेजिन, उसे कहते हैं रेजिन. तो ये रेजिन बोथ कैटायन अलॉन्ग विथ एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, दोनों में ही ये रेजिन यूज होता है. अभी ये रेजिन के साथ एक ऐसा इनर्ट है ये मटेरियल, इसके साथ आप कैटायन का अटैच करो, एनायन का अटैच करो, ये कोई भी तरीके का जो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी है ये वो आसान तरीके से कर सकता है.
तो ये हो गया बीड्स के बारे में, स्टेशनरी फेज के बारे में। अभी बात करते हैं मोबाइल फेज। मैं बताया कि मोबाइल फेज में ही वो मिक्सचर जिसको हमें सेपरेट करना है। अब क्या क्या मिक्सचर हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, मैंने स्टार्ट में ही बताया दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहां पर हम आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। एक तो है वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना, और इसके लिए हम ज्यादातर तो यहां पर इनऑर्गेनिक जो बीड्स है वही यूज करते हैं, इनएक्सपेंसिव बीड्स होता है यहां पर। ये बहुत सारे जो वाटर फिल्टर होता है आजकल के ज़माने में वहाँ पर भी ये बीड्स रहते हैं, अगर आप उसको डाइसेक्ट करके देखो तो वहाँ पर ये इनऑर्गेनिक जो बीड्स हैं वो आपको मिलेगा, तो मीठा बनाता है पानी को। या फिर और एक रियल टाइम एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल है वो ब्लड में से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको सेपरेट करना, यूरिन में से इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट करना, और अपना बॉडी भी इसको यूटिलाइज करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है इसको यूटिलाइज करते हैं, हमारा एक्सक्रीशन नेफ्रॉन इस प्रिंसिपल की यूज़ करता है ताकि यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बने, उसका जो बैलेंस है ब्लड में उसका जो बैलेंस है वो बने रहे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अब प्रिंसिपल, दोनों तरीके का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में। तो इसको हम यहाँ पर रिरेज कर देते हैं और अभी ड्रॉ करेंगे जो बीड्स हैं यहाँ पर। तो चलिए, ये तो कैटायन एक्सचेंज के लिए जो बीड्स हैं वो बनाया हुआ है यहाँ पर पिक्चर में। तो बीड्स जो है वो हम खरीद सकते हैं बाहर से, उसे उसमें ऑलरेडी कैटायन जो है प्लस चार्ज जो है वो ऐड है। तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये है रेजिन, तो रेजिन के साथ प्लस चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एक आयन है। अभी उसके साथ साथ क्या करेंगे हम, मोबाइल फेज जो होगा, ये है मोबाइल फेज। अभी मोबाइल फेज जो इल्यूट करेगा ऊपर से, वो मोबाइल फेज ऐसे गिरता हुआ बीच में से निकलता हुआ ऐसे आएगा। तो ये जो मोबाइल फेज होगा, इस मोबाइल फेज में क्या है हमारे पास, मानो कि एक ए प्लस आयन है, मोबाइल फेज के साथ एक ए प्लस आयन है। तो ये कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो रहा है, इसमें क्या होगा, रेजिन के साथ रहने वाला ये जो प्लस आयन है इसे सब्स्टिट्यूट करना है, और ये जो मोबाइल फेज का आयन है उसको रेजिन के साथ फिक्स करना है, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मोबाइल फेज वाला ए यहां पर है इसका आयोनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उस हिसाब से ये हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं कि हम जिस कंपाउंड को सेपरेट करेंगे उसका आयोनिक स्ट्रेंथ बीड में लगे हुए जो प्लस चार्ज है उससे ज्यादा होना है। तो ए जो है रेजिन के साथ अटैच हो जाएगा और एच जो है, तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड हम अगर देखें तो रेजिन के साथ ए अटैच हो गया और जो इल्यूएंट है उसमें क्या निकल गया, एच प्लस मोबाइल फेज के साथ बाहर निकल गया। तो मोबाइल फेज ऐड करते रहे और कुछ देर बाद ये जो इल्यूएंट हम कैच कर रहे थे नीचे से उसमें हमें इस H प्लस के साथ जो मोबाइल फेज है वो मिलता रहा। अभी ऐसे हम करते रहे दो तीन बार होने के बाद, जब सारे के सारे A जो है अटैच हो चुका है बीड के साथ और सारे के सारे जो H है वो रिमूव हो चुका है ऐसा हमें लग रहा है, तब हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेप रिंसिंग, मतलब उस कॉलम को हम फिर से दो तीन बार कुछ बफर सोल्यूशन से धो डालते हैं ताकि के जो भी अनबाउंड A है वो सारे के सारे निकल जाए। तो रिंसिंग जो है सेकेंड स्टेप होता है प्रोसेस का। रिंसिंग हो जाने के बाद ये कंफर्म्ड है क्योंकि बीड में जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो ए है। अभी थर्ड स्टेप कि जो बाउंड ए जो आयन्स हैं उनको हमें रिमूव करना है, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, हम फिर से ऊपर से एक सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें हायर आयोनिक स्ट्रेंथ वाला कुछ हो जो ए को रिप्लेस कर सके, या फिर हम जो पीएच है बीट का उसको अल्टर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, ये बीट का जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ वो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पीएच को अगर हम अल्टर करें, मतलब यहां पर पॉजिटिवली चार्ज की बात हो रहा है तो मानो हम यहां पर एल्कली बेस डाल दे जिसका जो पीएच है यहां पर बहुत ही ज्यादा हो, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो धीरे धीरे डिसोसिएट कर जाएगा और आखिर में सेकेंड टाइम जब हम इलेवन को कैच करेंगे उसमें सारे के सारे हमें ए प्लस मिलेंगे। ये होता है कैटायन एक्सचेंज। अभी एनायन एक्सचेंज में क्या होगा, यही एक ही प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंस,
ये बीड्स में हम प्लस के जगह माइनस एनायन लेंगे, क्योंकि एनायन एक्सचेंज करना है हमें, एनायन ले लेंगे हम, ओके, सारे के सारे बीड्स में। अभी एनायन एक्सचेंज में ये जो रेजिन है, रेजिन के साथ ओ एच माइनस, ये है, फॉर एन एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं, ये हमारा एनायन है, और उसमें भी मोबाइल फेज आएगा, और मोबाइल फेज में हम क्या देंगे यहां पर, मानो के बी, बी माइनस, ये भी एक एनायन है। तो हमारे यहां पर आइडिया ये बी माइनस रेजिन के साथ अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल को रिलीज करेगा, और वही होगा एट द एंड, क्या हो जाएगा, ये रेजिन प्लस बी माइनस, और ये डिस्प्लेस क्या किया, मोबाइल फेज के साथ, और जिसको हम 11 भी कहते हैं, उसके साथ OH माइनस, ठीक है। तो एक सेम प्रोसेस, पहले हम जो मोबाइल फेज डालेंगे, उसके बाद मोबाइल फेज डालने के बाद यहां पर हम 11 को कैच करेंगे, 11 में क्या आएगा, मैक्सिमम OH माइनस यहां पर आ जाएगा, क्योंकि जो B माइनस है, ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ है, वो अटैच हो जाएगा बीट के साथ। अभी जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रिंस कर देंगे, सेकेंड स्टेप में धो डालेंगे सारे के सारे अनबाउंड बी माइनस जो भी है उसको रिंस कर देंगे। अभी थर्ड स्टेप, ताकि यहां पर नेगेटिव चार्ज के बात हो रहा है, एनायन की बात हो रहा है, तो हम ऐसा कुछ देंगे जिसके नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा हो, तो यहां पर क्या करेंगे, एसिड, मतलब पीएच हम उसमें घटा देंगे, एसिड देंगे, और इल्यूट करके थर्ड, जब हम थर्ड स्टेप में कैच करेंगे इलेवेंट को, तब सारे के सारे जो बी माइनस है बीट से निकलकर हमारे कंटेनर में आ जाएगा। तब अभी आप सोचो कि मोबाइल फेस में हम सिर्फ हार्ड वाटर यूज करते हैं, एग्जाम्पल हार्ड वाटर जिसमें पानी तो है, पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स है, मतलब पानी में OH माइनस H प्लस जो है होना तो है, उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स है, तो जो मिनरल है कुछ पॉजिटिव चार्ज है कुछ नेगेटिव चार्ज है, हम बोथ कैटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज दोनों तरीके के जो कॉलम है उसमें से वो वाटर को रन किए, उसके बावजूद क्या हुआ, जो प्लस चार्ज थे वो बीड में बाइंड हो चुके हैं और सिर्फ पानी जो है वो निकल रहा है, मतलब जो इल्यूएंट हम कैच कर रहे हैं वो इल्यूएंट में वो पॉजिटिवली चार्ज आयन घट रहा है। सिमिलरली एनायन एक्सचेंज जब रन करते हैं उसी पानी से, तो उस पानी में से जो एनायन है नेगेटिवली चार्ज आयन है वो घट रहा है। तो इस हिसाब से हम एक पानी को कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी यूज करके हार्ड पानी को मीठा, खराब पानी को मीठा बना सकते हैं, और वही हम करते हैं एक रियल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये रहता है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी प्रिंसिपल मैकेनिज्म सब कुछ, और ये अगर आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, बताइए कमेंट में कि हिंदी वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा है तो फिर और हिंदी वीडियो बनाएंगे, क्रोमैटोग्राफी कॉन्सेप्ट में भी बनाएंगे, सारे के सारे क्रोमैटोग्राफी कॉन्सेप्ट का वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर दिया हुआ रहेगा, क्लिक कीजिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, थैंक यू।